दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टोरी आज की कुछ ऐसी है कि संडे का दिन है, तो एंजॉय करने के लिए घर से निकले हैं एक अनजान सफ़र के लिए। तो अकेला आप लोगों के साथ नहीं हूं, मेरे साथ हैं फारूक भाई और साथ में है मुबशर भाई। जी तो दोस्तों यहाँ पर रुके हैं ये सरदाई पीने के लिए, इसे सरदाई बोलते हैं। तो फारूक भाई भी पी रहे हैं, मुबशर भाई भी पी रहे हैं। तो तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है, तो बस यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी का जो पापा है ना, ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिशियन मिलता है हमें, तो क्योंकि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा वो। कभी उसकी जो आवाज़ है ये धीमी आती है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। तो दिखाते हैं कि क्या मसला है उसका। जी तो दोस्तों यहाँ पे रुके हैं, तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके हैं हमें घर से निकले हुए। अभी भूख लग रही है तो खाना घर से बनवा के लेके आए थे। तो ये एक वीरान जगह हमें नज़र आई है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बैठ के हम खाना खाएंगे। वो फारूक भाई बैठे हैं, मुबशर भाई भी बैठे हैं। तो गाड़ी हमने वो लाइनों के उस पार खड़ी की है, यहाँ से नज़र आ रही है। तो बाकी यहाँ पे ये खाना है हमारा, तो यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे हमने कहाँ जाना है ये कोई पता नहीं। जी तो दोस्तों हम बाहर बैठ के खाना खा रहे थे कि अचानक से बहुत तेज़ आंधी शुरू हो गई, मट्टी ही मट्टी होगी हर तरफ। तो अब अंदर खाना लेके आ गए हैं, तो ये देखें जी अब खाना जो है ना गाड़ी में बैठ के खाया जाएगा, क्योंकि बाहर जो हालात है ना वो बहुत ही बुरे हैं। मैंने थोड़े से सीन लिए हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, बहुत ही मट्टी थी यार। जी फारूक भाई, खाने का मज़ा आया फिर मट्टी में? मैं कहता हूँ क्या बात है बिलाल भाई। जगह हमने बड़ी अच्छी डिसाइड की थी, एक वीराना सा था,
बड़ा मजा आ रहा था खाना खाने का, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं जी, कुदरत के काम है बिल्कुल। लेकिन फिर गाड़ी में बैठ के खाना खाएंगे, ये भी एक टच है। चलें जी, जो होता है वो तो होता ही है जी। दोस्तों चलते चलते यहाँ पे आके रुके हैं और मेरे पीछे आप मंजर देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का मंजर है। वो पीछे फरूक भाई खड़े हैं, काफ़ी ऊपर चले गए हैं और ये जो सारे रेत के बड़े बड़े दड़े लगे हुए हैं और इस साइड पे पीछे आबादी भी है और उसके पीछे रोड है, मेन रोड जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है। यहाँ पे फसलें हैं और ये हासलपुर से काफ़ी आगे आगे हम रुके हैं। तो मकसद हमारा आने का यही था कि हमने चलना ही है, जहाँ पे हमारा दिल करेगा वहाँ पे रुकेंगे। कोई एक मिशन लेके नहीं निकले थे कि हमने जहाँ वहाँ जाके रुकना है, तो बस इसी सिलसिले को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो मंजर है ये ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं। बज रहे हैं और अंधेरा जो है ये होना शुरू हो चुका है, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है और हो सकता है कि हमें रास्ते में बारिश भी मिल जाए। तो इसी वजह से हम वापसी का रुख कर रहे हैं। तो आज हमने तकरीबन 200 किलोमीटर 230-25 हमने कर लिया। हाँ, 225-30 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। अभी वापसी का जो सफ़र है वो भी हमारा इतना ही रहेगा, तकरीबन 500 के आसपास किलोमीटर जो है हमने सफ़र तय करना है आज। तो रात को काफ़ी लेट नाइट पहुँचेंगे घर। तो बाकी मेरे ख्याल में ब्लॉग का करते हैं यहीं पे इख्तिताम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फरूक भाई थोड़ा सा सामने है इस साइड पे, तो ठीक है, मुझे फरूक भाई और मुबशर भाई को दो इजाज़त। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।